पायलट से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना मुंह खोले, कुछ बोले तो सही। वो कब बोलेंगे? रोज तो खूब बोलते हैं वो। इस बजरी के मामले में भी सचिन पायलट को बोलना चाहिए और खुल के सामने आए। टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र के अंदर जिस तरह बजरी माफिया के गुंडों ने शंकर मीणा नाम के किसान के बेटे की जो बर्बरतापूर्वक हत्या की है और उसमें गुंडों की गाड़ी के साथ पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और बुरी तरीके के साथ गंभीर मारपीट की जाती है, पुलिस की मौजूदगी में दम तोड़ देता है। ग्रामीण डेड बॉडी लेके बैठे हैं लेकिन पुलिस तितर बितर करना चाहती है। मैंने आरएलपी के दोनों विधायकों को मौके पे भेज दिया है और मैं स्वयं भी थोड़ी देर बाद यहां से रवाना हो रहा हूं। ये आर पार की लड़ाई होगी। बजरी को लेके जिस तरह माफिया सरकार को जेब में रहकर चल रहा है, हम इस बजरी ठेके को निरस्त कराएंगे, माफिया राज खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर। ये जो उनकी गुंडागर्दी है, जिस तरह बाड़मेर के अंदर माफियाओं ने बदमाशी करके एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा, भीलवाड़ा के अंदर गुंडागर्दी करी, पूरे राजस्थान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जेब में रख के घूम रहा है बजरी माफिया और ये जातीय जेल खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरी वहां लोगों से अपील है कि आप एकजुट होकर मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करें। मैं स्वयं इनके बीच आ रहा हूं और अब की बार ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। और प्रशासन अगर जबरदस्ती परिजनों को डराने धमकाने का प्रयास किया तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। मेरी इस मामले में कांग्रेसी नेता सचिन पायलट से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना मुंह खोले, कुछ बोले तो सही। टोंक उनका हल्का है, वो कब बोलेंगे? रोज तो खूब बोलते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफिया के खिलाफ। इस बजरी के मामले में भी सचिन पायलट को बोलना चाहिए क्योंकि लोगों ने 18 का जो वोट चुनाव था उसमें इनके नाम से भी टोंक जिले के अंदर वोट डाला था। मेरी सचिन पायलट से ये मैं मतलब अपील करता हूं, वो इस मामले के अंदर बोले बजरी माफिया के खिलाफ और खुल के सामने आए। ये मेरी उनसे अपील है। मैं शीघ्र यहां से रवाना हो रहा हूं। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि सारे जो भी गुंडे थे उनको पकड़ा जाए। 120 बी का मुलजिम लीज धारक है, इनको भी 120 बी का मुलजिम बनाए। जो एस्कॉर्ट गाड़ी कर रही थी उस गाड़ी के लोग जो पुलिसकर्मी थे उनको भी मुलजिम बनाया जाए। एसपी कलेक्टर को तुरंत हटाया जाए टोंक के। ये घटना छोटी नहीं है, ये पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगी। राजस्थान का जवान टोंक में शंकर मीणा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लाखों की तादाद के अंदर जाएगा। आवश्यकता पड़ी हम राजधानी को घेरेंगे। मैं टोंक जा रहा हूं।